हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर ऐसी रेसिपी बनेगी जिसके आम के आम और गुठलियों के दाम, ताकि अपन एक ही रेसिपी में दो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। तो अपन बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आंवले की कैंडी बनाई थी, कैंडी को शक्कर में भिगोया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। कैंडी भिगोने के बाद मैंने सुखाने से पहले उसमें से जो रस निकला था, ये वही रस है, उससे अपन बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शरबत बनाने वाले हैं। तो अपन इसको पहले मेजर कर लेते हैं। मेजर करें उससे पहले मैं बता देती हूँ, इस रस को मैंने ऐसे के ऐसे ही 6-7 घंटे फ्रिज में रखा था, ताकि इसके नीचे जो कड़वास होती है आंवले की वो रह जाती है। अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने रस निकाल लिया, ये 3 कप फुल भर के, 16 टेबल स्पून का मेरा 1 कप है, उसके नाप से 3 भर के ये हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो लास्ट में कड़वास बची है वो किस रंग की होती है। ये छानने के बाद नीचे ये इस तरीके का एकदम वाइट वाइट होता है, लेकिन स्वाद में बहुत ही कसेला होता है। इसमें से पूरा कसेलापन इस तरीके से नीचे वाइट वाइट रह गया, इसलिए इस रस को रेस देना बहुत ज़रूरी है 5 से 6 घंटे। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके की है। अब मैं इसके अंदर जिससे मेजर करा था मैंने, उसी का मैं 1 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। इसमें ऑलरेडी मीठा है तो ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर मैं 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, और 1/2 टीस्पून ही मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स करके अपन गैस पर चढ़ा देते हैं। को गैस पे चढ़ा दिया है। अभी आप गैस की फ्लेम मीडियम पर रख सकते हैं जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो गए। उसके बाद ये आप लो फ्लेम पे इसको पकने दें। ये रेसिपी आम के आम और गुठलियों के दाम वाली, क्योंकि अपन ने कैंडी तो बना ही ली, उसके बाद ये वेस्ट था, तो इसमें से अपन वेस्ट निकालने वाले हैं। तो चीनी मेल्ट होने देते, ये देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और उबाला आने लग गया। अब मेरी गैस की फ्लेम एकदम लो पे है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर आंवले के शरबत का वीडियो डाल रखा है, आप वो भी चेक करें। सेम प्रोसेस है, बट इसके अंदर अपन बिना आंवले के ही आंवले का जूस बनाने वाले हैं। तो इसको अब लो फ्लेम पर पकने देते हैं। अपने आंवले की वो चाशनी तैयार होती है, तब तक मैंने यहाँ पर 10-12 नींबू लिए हैं, इसका रस निकाल के तैयार रख लेते हैं। इसको उबलते हुए 10 से 15 मिनट लगभग हो चुके हैं। इसको रेगुलर हिलाना पड़ता है, वरना ये जाग जाग पूरा बाहर आ जाता है। लो फ्लेम पर ही है ये, और इसकी चाशनी अभी चेक कर लेते हैं। अभी 1 तार लगभग इसकी चाशनी हुई है। इसको 5 से 7 मिनट और उबाल लेते हैं। उबलते हुए 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं, इसके अपन चाशनी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ले हाथ में और इसको चेक करें। आप देख सकते हैं परफेक्टली मोटा तार आ रहा है, अपने को ऐसा ही मोटा तार चाहिए। तो गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम ठंडी हो चुकी है चाशनी, और ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम शहद की जैसी हो चुकी है। अब जो अपन ने नींबू का रस निकाल के रखा है, 1 कप भर के पूरा हो चुका है। जब ये चाशनी एकदम ठंडी हो तभी अपने को ये रस डालना है। इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने इसमें नींबू का जूस अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्टली हो चुकी है। अब इसको कलर अपने को अच्छा देने के लिए मैं यहाँ पर 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ले रही हूँ। आप चाहे तो डालें, ऐसे भी इसको रख सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। मैंने इसमें कलर भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब अपन इसको छान लेते हैं। ये मैंने शरबत अच्छे से छान लिया है, ऊपर थोड़े से काली मिर्च के टुकड़े निकले हैं। अपन ने शुरुआत में ही काली मिर्च डाल दी थी, तो सारा इसका जो कस है वो निकल चुका है। इसको अपन हटा देते हैं। देखते हैं अब शरबत अपना कैसा बना है। इसको अब साफ कांच की बोतल में, जो कि पानी का कुछ भी छींटा ना हो, इसमें बनाते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी पानी का छींटा भी नहीं लगे, इसको साफ बोतल में भर लेती हूँ। ना आंवले का शरबत बनकर तैयार है। अपन ने कोई यहाँ पर फ्रेश आंवला नहीं लिया है, अपन ने रीयूज़ करा है आंवले की कैंडी का निकला हुआ पानी। अपन ने 1/2 कप चीनी लिए, उससे इतना सारा शरबत बनकर तैयार है। इसको आप 6 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, और फ्रीज में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब अपन इसको पीने के लिए तैयार करते हैं। 2 ग्लास लिए, उसके 1-1 टेबल स्पून ये तैयार शरबत डाला, उसके अंदर पानी डाल देते हैं। ना आंवले का शरबत बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बना है। मेरे चैनल पर पहले भी आंवले का जूस
डाला हुआ है, तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ये जूस आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें अपने को फ्रेश आंवला नहीं चाहिए, कैंडी भी बन जाएगी और जूस भी तैयार हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना ये है कि पानी का एक भी छींटा नहीं जावे इसके अंदर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।